दोस्तों नमस्कार, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आज 15 जून सन 2022 आपसे मुखातिब होता हूं। आज के इस विचार बाजार के सितारों में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों हर रोज़ की तरह आज के शो में भी हम चर्चा करेंगे सबसे पहले बाजार के सितारे यानी आपका राशिफल, फिर एग्रो कमोडिटीज़ में क्या हलचल, शेयर बाज़ार में क्या हो सकता है और फिर नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर आज का संभावना है। सबसे पहले आज का राशिफल। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, 4 एलिमेंट्स, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियाँ 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि आज दिन आपके लिए अच्छा रह सकता है, शुभ और मंगलकारी रह सकता है। 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि दिन आपके लिए शायद शुभ ना रहे, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें, बड़े निवेश से बचें। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि वायु तत्व की राशियाँ हैं, निश्चित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, यह है जल तत्व की राशियाँ, निश्चित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। तो ये तो था आज का राशिफल। अब क्या संभावनाएं बन सकती हैं एग्रो कमोडिटीज के अंदर, कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर आपसे चर्चा कर रहे हैं कि गेहूं पर सरकार ने 5 राज्यों 5 देशों को सशर्त गेहूं निर्यात की अनुमति शायद मिल सकती है। संयुक्त अमीरात, अमन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया ने भारत सरकार से गेहूँ निर्यात का अनुरोध किया है, संभवतः इन देशों को गेहूं निर्यात करने की परमिशन मिले। गौरतलब है कि भारत सरकार ने गेहूं के उत्पादन का लक्ष्य करंट ईयर में 11 करोड़ से ऊपर का रखा था, 11 करोड़ टन से ऊपर, लेकिन तेज गर्मी और लू के भीषण थपेड़ों से गेहूं के उत्पादन में कमी आई और लक्ष्य पिछड़ गया। ये लगभग 10.5 लाख करोड़ टन का उत्पादन उम्मीद है। इन सब को देखते हुए और भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का भी फैसला किया, क्योंकि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में गेहूं का दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई और भारत गेहूं का प्रमुख उत्पादक देश होने के वजह से भारतीय गेहूं की पूछ परख पूरे विश्व में हुई। इसका फ़ायदा भारत ने भी उठाया और अच्छी निर्यात भी बहुत अच्छा किया। अप्रैल महीने में भारत ने अच्छा निर्यात किया, लेकिन मई महीने में भारत निर्यात करने में पिछड़ गया प्रतिबंध के कारण। लेकिन अब 5 देशों को यदि निर्यात होता है तो भारतीय गेहूं के दामों में बढ़ोतरी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। एक और महत्वपूर्ण बात, ऑस्ट्रेलियन गेहूं, भारत के गेहूं पर निर्यात के प्रतिबंध से ऑस्ट्रेलियन गेहूं की पूछ परख अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अधिक हो गई थी, अब ऑस्ट्रेलियन गेहूं की पूछ परख कम हो सकती है, साथ ही उनके दामों में कमी आने की संभावना बन सकती है। दोस्तों इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि चने के ऊपर एक महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है, चने का निर्यात कुछ देशों में होने की संभावना बन रही है, ये मुद्रा पोर्ट से होने की संभावना बन रही है। चने के भाव में अचानक से बड़ी तेज़ी ना बने इसको देखते हुए अभी ये खबर पूरा तरह से बाज़ारों में फैली नहीं है। तो दोस्तों ये था कुछ बाज़ारों की खबरें। अब आज क्या संभावनाएं बन सकती हैं, आज जीरा एवं धनिया के अंदर तेज़ी की संभावनाएं बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त गवार सीड में भी तेज़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, तो अतः दैनिक तेज़ी मंदी में गवार सीड, जीरा और धनिया में तेज़ी की संभावना बन सकती हैं। अब चर्चा कर रहे हैं शेयर बाज़ार में, शेयर बाज़ार के अंदर आज उतार चढ़ाव रहने की संभावना है, महत्वपूर्ण फेड की मीटिंग की वजह से बाज़ार अभी डरे और सहमे से हैं। निवेशकों को एक दिन और इंतज़ार करना चाहिए बड़े निवेश से बचने के लिए, लेकिन यह निश्चित तो ये तो तय है कि बहुत बड़ी गिरावट हमेशा कायम नहीं रह सकती या बहुत बड़ी तेज़ी हमेशा कायम नहीं रह सकती। भारतीय बाज़ार
भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की तरह बुरी तरह से गिर गए हैं, पिटाई खा रहे हैं। इसमें प्रमुख कारण विदेशी संस्थागत निवेशकों का लगातार भारत से पैसा निकालना है। इसकी वजह भी अंतर्राष्ट्रीय महंगाई और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की वजह से लिक्विडिटी की, तरलता की कमी पूरे विश्व में देखी जा रही है। लेकिन ये निश्चित है कि भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में विदेशी संस्थागत निवेशकों को पैसा लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना वार्षिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भारतीय बाजारों में है वो दूसरे देशों में नहीं है। भारत अग्रणीय स्थान है रखता है कि महत्वपूर्ण शानदार रिटर्न्स पे। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर से बहुत ज़बरदस्त ऐतिहासिक गिरावट पर है। अतः विदेशी संस्थागत निवेशक यदि अब निवेश करते हैं तो उनको दोहरा फायदा मिलेगा। एक तो भारतीय बाजार बहुत आकर्षक नज़र आ रहे हैं अंडर वैल्यू होने की वजह से, दूसरा भारतीय रुपया अंडर वैल्यूड होने की वजह से बहुत तेज़ी से गिरावट से उनको डबल फायदा होगा करेंसी का और नीचे स्तर पर माल खरीदने का। अतः बहुत जल्दी विदेशी संस्थागत निवेशक शायद धीरे धीरे वापस भी आ सकते हैं। इससे बाजारों के अंदर तेज़ी लौट भी सकती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ये था कृषि जींसों पर आज की खबर, शेयर बाजार का आज का हाल। दोस्तों आप चैनल पे बने रहिए और अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।